मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा का अध्याय 36। इससे पहले वाले चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 22 तक के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, बाकी के साइंस की सीरीज चल रही है वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का आप लिंक ढूंढो तो उसमें मिल जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसमें चलते हैं हमारा भूरिश्वा जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। उधर जो अर्जुन था सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और संवाद करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने साथी को ऊपर उठाया और जमीन पर दे पटका जोर से। अब कौरव सेना जोरों से कुलाल कर उठी, साथी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में जो मृत मतलब मरे से पड़े साथी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया, मतलब आश्चर्य में आप कह सकते हो या दुविधा में पड़ गया। आप मतलब कहते दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है। अब मेरे से तो नहीं लड़ रहा है और दूसरे के साथ लड़ने वालों पर मैं कैसे बांध चलाऊं। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बात ही कर रहा था कि इतने में जयद्रथ के द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार कर दी, या आप कह सकते हो कि वर्षा कर दी। जो ही अर्जुन ने साथी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि साथी जमीन पर पड़ा हुआ है और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ से तलवार लेकर उस पर वार करने के लिए उद्यत का मतलब एकदम वो तैयार ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा ने गया और उसने उसी सर मतलब उसी वक्त भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाए। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला कि वृद्ध भूरिश्रवा मतलब बूढ़े भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र साथी का वध करने की कोशिश किया और वह भी उस समय जबकि वह घायल था, अचेत सा था, बेहोश सा था और जमीन पर निशस्त्र था, मतलब उसके पास कोई भी शस्त्र नहीं था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा जिससे उसके हथियार टूट चुके थे, कवच भी नष्ट हो चुका था और इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा होना भी दूर पर था काफ़ी मुश्किल था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर भी तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव बनाया, तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। अर्जुन की इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में स्वरों को फैलाकर मतलब जो तीर है उनको फैलाकर आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया, मतलब जैसे मरने जैसा। यह सब देख कर अर्जुन बोला, वीरो तुम सब मेरी प्रतीक के जानते हो ना, मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने रख कर रखा है, इसलिए साथी की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। अर्जुन की यह बात सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई भी दो घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों का मना करने पर भी साथी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। साथी के कार्य को सबने निष्कर्ण मतलब नीचा कहकर धिक्कारा उसको। वो लड़ाई के मैदान में जिस भी ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं समझा, मतलब ठीक तरह से नहीं समझा, क्योंकि वो निशस्त्र था और ऐसा आया था तो उस टाइम जो उसको वध गया तो गलत था। कौरव सेना को तितर बितर का मतलब इधर उधर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर में पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ ने भी कोई भी साधारण वीर नहीं था, वह सुविख्यात मतलब काफ़ी विख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा, उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम नहीं था मतलब आसान नहीं था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम की ओर लालिमा मतलब लाल छाने लगी कि सूरज छिपने वाला है और सूर्यास्त का समय भी नज़दीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। अब यह दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है तो जयद्रथ तो बच ही गया है और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
कि अर्जुन ज्यादातर सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे पास यही अवसर है या यही मौका है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा लिया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। उन्होंने बोला था कि जहाँ पे भी गिरेगी वहाँ पे आग लग जाएगी, वो बिल्कुल तबाही मचा देगा। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृत्रछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे और इतने में ही जयद्रथ का सिर ध्यान मगन राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृत्रछत्र को आंखें खुली तो वह उठे और जयद्रथ का सिर उनकी गोद में जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े जो वृत्रछत्र के क्या हुआ, सिर के 100 टुकड़े हो गए। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया तो उसने उनकी आनंद की सीमा न रही और इसके बाद युधिष्ठिर दू ने उत्साह के साथ सारे पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े और 14 दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रातों रात ही वो होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडम्बना से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच ने भी उनमें भी काफ़ी भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दिव्य शक्ति का जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा था घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि अर्जुन का तो संकट टल गया परंतु भीमसेन का जो प्यारा और वीर पुत्र था घटोत्कच मारा गया। पांडव के दुख की सीमा न रही। इतने में भी युद्ध बंद नहीं हुआ और द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीर की बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट गिरते जाते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कूचक रचकर ही इन्हें को परास्त करना चाहिए। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे, इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा की द्रोणाचार्य का पुत्र था कि वो मारा गया है। युधिष्ठिर ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम का एक भारी लड़ाके हाथी को मार दिया और फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार लाया। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना था कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। वे विचलित हो गए और साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोला, मतलब उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे पर विजय प्राप्त करने की लालसा से किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया है। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम और अन्य पांडव ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया और जिसे युधिष्ठिर के अंतिम वचन पर उस शोर में वो लुप्त हो गया या गायब हो गया। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मगन आचार्य की गर्दन पर खड़क से चोर का वार किया और आचार्य द्रोण का जो सिर था वो तत्काल धड़ से अलग होकर गिर गया। इसी तरह द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। तो ये चैप्टर खत्म हुआ है। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।